भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला होना है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर एशिया कप 2023 में विजयी रथ से शुरुआत करना चाहेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान टीम ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल को 238 रनों से हराया था। एशिया कप 2023 में शनिवार यानी कि आज 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। देखा जाए तो एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान के ऊपर भारी रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत दिख रही है और उसको हराना आसान नहीं होगा। इसलिए आपको 5 ऐसे फॉर्मूले बताने वाले हैं जिसका उपयोग यदि टीम इंडिया करती है तो वो पाकिस्तान को हराने में कामयाब हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इन खबर। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने एशिया कप 2023 के पहले मैच में नेपाल के खिलाफ दमदार 151 रन बनाए। बाबर ने 2023 में 12 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 57.41 के एवरेज से 689 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले। इतना ही नहीं, बाबर ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के लिए बाबर को जल्दी आउट करना अहम हो जाता है। बाबर के अलावा पाकिस्तान के ओपनर्स भी 2023 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। फकर जमा ने इस साल 12 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 53.90 के एवरेज से 593 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी टीम के दूसरे ओपनर इमाम उल हक ने 2023 में 9 मैच खेलते हुए 40.11 के एवरेज से 361 रन स्कोर किए हैं। इमाम फकर के ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट जल्द ले। दोनों ओपनर्स को आउट करके ही भारतीय टीम पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पर प्रेशर बना सकती है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी जब भी भारत के खिलाफ खेलते हैं तो शुरुआत में ही 1-2 विकेट चटका देते हैं। इसके कारण भारतीय टीम की बैटिंग ऑर्डर बिखर जाती है। आज के मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों को शाहीन के खिलाफ शुरुआती ओवर्स में संभल कर खेलना होगा और उसके बाद जब पिच बैटिंग के लिए मददगार हो जाए तो उनके खिलाफ अटैक कर सकते हैं। शाहीन ने 2023 में 8 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 5.04 की इकोनॉमी रेट से 16 विकेट चटकाए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करना होगा। अगर ये दो अनुभवी बल्लेबाज पड़ोसी मुल्क की टीम के विरुद्ध बड़ा स्कोर करने में कामयाब होते हैं तो भारत की जीत के चांस बढ़ जाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों में 73.40 के एवरेज से 367 रन बनाए हैं। वहीं विराट पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 3 मैच खेलकर 206 रन बना चुके हैं। इसमें एक पारी 2012 एशिया कप के दौरान की है जिसमें विराट ने 183 रन बनाकर 330 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिया था। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय गेंदबाजों की अहम कड़ी साबित होंगे। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को धाराशायी करने की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर होगी। कुलदीप ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 22 के एवरेज और 4.07 की इकोनॉमी रेट से 5 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान वह 2 बार पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को आउट कर चुके हैं।